हे गाइस, क्या हालचाल आप सबके। माय नेम इज जीवी सिंह, एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ लेकर बहुत 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 इंपॉर्टेंट लेक्चर है ये सीजीएल 2018 वालों के लिए। देखिए, सीपीयू 2018 का पेपर आ चुका है और उसमें मैंने ऑलरेडी एक लेक्चर बनाया जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि 12 मिनट के अंदर उस पेपर को भी सोल्व किया जा सकता था। लेकिन ठीक है, वो सिर्फ एक तरीका था मेरा बताने का कि कैसे उन क्वेश्चंस को ताबड़तोड़ तरीके से फटाफट चुटकियों में करना है ना। अब वो आपके ऊपर है कि आपकी प्रैक्टिस कितनी, क्योंकि ये कम्प्लीटली डिपेंड करता है कि आप पेपर को कितनी देर में सोल्व कर रहे हैं, ये आपकी प्रैक्टिस कितनी है। देखिए, उसको आप इस चीज़ से अगर रिलेट करने लग गए है ना कि किसी ने प्रैक्टिस करनी रखी है ना और शॉर्टकट्स का पता नहीं है और आप बोल रहे हो कि मैं उसको कर दूंगा 12 मिनट में, तो फिर वो गलत है ना। तो यही चीज़ है इस पेपर के अंदर भी, मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे हम 12 मिनट के अंदर यार आपको कंप्लीट फटाफट से आप उसको कर सकते हैं। देखिए, 12 मिनट में नहीं कर सकते, 15 में कर लो, 20 में कर लो, जो 20 में भी कर लेगा ना 25 में भी कर लेगा मैथ्स को, उसका भी सीजीएल का टीयर वन तो आराम से क्लियर हो जाएगा। मैं टीयर वन वाले पेपर की बात कर रहा हूँ, अभी टीयर टू की बात नहीं कर रहा हूँ। ओके, तो उसका भी ईजिली क्लियर हो जाएगा। 25 से कम में आपको करना है हर हाल में, क्योंकि अगर 25 से ज़्यादा जा रहा है आपका मैथ्स का तो फिर दिक्कतें बढ़ जाएंगी वहाँ पे, फिर बहुत परेशानी होगी आपको सब कुछ कोप अप करने में और हो सकता है कि आपका पेपर छूट जाए फिर उस केस में। तो यहाँ पे जो 12 मार्च का मैंने ऑलरेडी पार्ट वन में 25 क्वेश्चन करवाए थे डीआई को छोड़कर, क्योंकि डीआई मैं अलग से करवा चुका हूँ एक वीडियो है ना। अब वो सारे के सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, डीआई के भी दे दूंगा और पिछली जो वीडियो था उसके भी दे दूंगा। अब 25 से आगे जो क्वेश्चन है ना वो इस वीडियो के अंदर है और कैसे उनको फटाफट से करना है वो देखेंगे। सेट दूसरा वाला मैंने क्यों नहीं उठाया, क्योंकि एक ही सेट के अगर आप सारे क्वेश्चन कर लेंगे ना तो कोई रिपीटेबिलिटी नहीं आएगी। आप देखेंगे कि जो 12 मार्च का है वैसे वैसे क्वेश्चन आगे 13 वाले में भी आ रखे हैं, तो वो इसीलिए मैं ये वाला उठा रहा हूँ ताकि रिपीट ना हो और वो सारे के सारे कंसेप्ट एक ही बार में कवर हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। इससे पहले अगर आपने लाइक नहीं किया वीडियो को तो 100% लाइक जरूर करो। पैसे हम आपसे कभी मांगेंगे नहीं, लेकिन लाइक और शेयर इतना आपसे रिक्वेस्ट है कि इतना आप कर दीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अगर आपने नहीं किया इस चैनल को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन देखिए गाइस, आज का हमारा क्या है, बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है, 126 नंबर क्वेश्चन है ये 12 मार्च के अंदर। देखिए, फटाफट से करेंगे इसको, टाइम आप नोट करते जाइए कि कितनी देर में हो रहा है। साइंस के 24 है, साइंस के 66 है, ऐसे क्वेश्चन को देखते ही पता लगता है क्या टुच्चा क्वेश्चन है। 24 और 66 90 डिग्री बना रहा है, तो आप साइंस के 66 को लिख सकते हैं कोस स्क्वायर 24, तो साइंस के प्लस कोस स्क्वायर क्या हो जाता है, 1 हो जाता है, यानी ऊपर वाली वैल्यू है कोई 1। यहाँ भी 24 और 66 क्या है, 90 डिग्री है, तो आप क्या कर सकते हैं, इस कोस स्क्वायर 66 को क्या लिख सकते हैं, साइंस के 90 माइनस 66 यानी कि साइंस के 24, तो ये भी 1 हो गया, तो यानी कि 1/1 हो गया, 1/1 प्लस में। यहाँ पे देखिए, साइंस स्क्वायर 61 है प्लस में कोस 61 है, तो यहाँ पे साफ ही दिख रहा है कि यहाँ पे कोस स्क्वायर 61 बनने वाला है। नहीं पता लग रहा तो देख लो, साइन 29 है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, कोस 61 लिख सकता हूँ, तो एक कोस 61 ये हुआ। क्यों लिख सकता हूँ, क्योंकि 61 और 29 90 डिग्री का पेयर बना रहे हैं, सिंपल सी बात है ना। तो कोस 61 कोस 61 कोस स्क्वायर 61 साइंस स्क्वायर 61 यानी कि यहाँ भी 1/1 हो गया टोटल, तो ये 2 आ गया। देखिए, ये आंसर है आपका, तुच्छ क्वेश्चन है, इसको करने में मैं बता रहा हूँ आपको 4 सेकंड में नहीं लगेंगे, चलिए फिर भी आप 5 सेकंड मान लीजिए, 5 सेकंड से ज़्यादा का ये क्वेश्चन है नहीं है। ओके जी, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए गाइज, ये एक्सटीरियर एंगल का क्वेश्चन है, एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर का क्वेश्चन है ना। साफ सी बात है, इसके अंदर क्या होता है, देखिए आप इसको आप अगर बनाएंगे तो ये एक ट्राइंगल हो गया, ठीक है, इसको लाइन को एक्सटेंड करके और इसको एक्सटेंड करके, ये देखिए ये जो है ये एंगल बाइसेक्टर्स हैं है ना, एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर्स। ये मान लो कि यहाँ पे किसी पॉइंट पे मीट कर रहे हैं, ठीक है, ये वही बोल रहा है कि साइड ए बी एंड ए सी, सपोज करो ये ए है तो ए बी और ए सी को बढ़ा दिया आगे कहाँ पे, डी और ई तक, ये डी हो गया, ये ई हो गया। ये बनाने की भी ज़रूरत नहीं थी वैसे, ये देख के पता लग रहा था, ठीक है, आपको फॉर्मूला बताऊंगा तो आप कहेंगे कि यार 3-4 सेकंड का भी क्वेश्चन नहीं था ये, चलिए कोई बात नहीं, ये आपके कंसेप्ट के और मेमोराइजेशन की पावर के ऊपर है ना। तो देखते हैं, इस बोला कि इफ़ द बाइसेक्टर्स ऑफ सी बी डी एंड बी सी ई, सी बी डी और बी सी ई, ये पता ही लग ही रहा है, वही मैं कह रहा हूँ ना, ये वही बन रहा है, तो ये यहाँ पे मिल रहे हैं कहाँ पे, ओ पे मिल रहे हैं, तो एंगल बी ओ सी पूछ रहा है। सिंपल सी बात है यार, कभी भी एक्सटीरियर एंगल का केस आता है ना, इंटीरियर एक्सटीरियर ये सबके रिजल्ट्स अगर आपको याद हैं तो सिंपल सी बात ये होती है कि एंगल बी ओ सी यानी कि ये वाला एंगल जो होता है वो क्या होता है, 90 माइनस ये वाला एंगल इक्वल टू क्या होता है, 90 माइनस ए और पाई में आपको करना पड़ता है 2, साथ में 2 भी है, ये सिर्फ ए नहीं होता, ये करना है आपको, तो बस कर दीजिए। आपको ये वाला एंगल निकालना है तो 90 में से इसका हाफ माइनस कर दीजिए, 90 माइनस 50 बाई 2 यानी कि 90 में से आपके 25 गए तो आ गया 65 आपका, हो गया। अब बताइए 3 सेकंड का क्वेश्चन है कि नहीं है, ये आपके कंसेप्ट के ऊपर है और कोई आपको ये नहीं बता सकता है ना, खुद से ही पूछना पड़ेगा कि ये पढ़ा है तो इसको फटाफट से लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए एक गाइस, ये स्क्वायर रूट वाला क्वेश्चन अभी के लिए मैं छोड़ रहा हूँ, क्योंकि इसके लिए अलग से वीडियो बनानी पड़ेगी, पूरा लेक्चर बनाना पड़ेगा। स्क्वायर रूट जो है इसको ऐसे मैं नहीं समझा सकता हूँ इस वीडियो के अंदर, क्योंकि ये क्वेश्चन हो सकता है कि आपको अड़ा दे, है ना। तो ये जो है ऐसे क्वेश्चन को मेरे को पूरा एक लेक्चर लेना पड़ेगा आधे घंटे का, जिसके अंदर मैं पूरा आपको एक्सप्लेन कर दूँगा कैसे चुटकियों में आपको देखते ही पता लगा है कि स्क्वायर रूट किस चीज़ का ये, है ना। तो ये वाले लेक्चर में मतलब कि ये जो क्वेश्चन है फिलहाल के लिए मैं छोड़ रहा हूँ, तो ये नेक्स्ट किसी वीडियो में मैं इकट्ठे एक साथ ऐसी चीज़ें बना दूंगा। क्वेश्चन देखिए गाइस, अगेन एक टुच्चा क्वेश्चन आ गया। देखिए अगर ये आपके, मैं भाई कह रहा हूँ ना, आपने पढ़ा कैसे है वो आपके ऊपर है, अगर आपने अच्छे से पढ़ रखा है इसको तो फिर तो आपको देखते ही पता लग जाएगा कि ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये भी ए है, बी है, सी है। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इज इक्वल टू 3abc लिखा हुआ, तो अलजेब्रा का क्वेश्चन है, कंसेप्ट है यार, सिंपल बेसिक कंसेप्ट है कि अगर ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इज इक्वल टू 3abc हो जाए तो ए प्लस बी प्लस सी का सम जो है वो क्या होगा, जीरो हो गया, यानी कि x माइनस 5 प्लस एक्स माइनस 6 प्लस एक्स माइनस 7 इक्वल टू क्या होगा, जीरो। यहाँ पे क्या होगा 3x, और यहाँ पे 6 और 7 हो गया 13 और 5 हो गया 18, इक्वल टू हो गया 18, x आ गया आपका 6। ये लीजिए, अब इस क्वेश्चन को भी अगर आप कहेंगे कि आपको एक मिनट लगाना है और आप कहेंगे कि बहुत टफ है, तो फिर आपका भगवान ही वाली है ना, फिर तो आपको कोई नहीं पढ़ा सकता, फिर आपके ऊपर है कि आपकी प्रैक्टिस वीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या बोल रहा है कि पी ए और पी बी जो है टेंजेंट है सर्कल विद सेंटर ओ पे, एक सर्कल बना लेते हैं, ये लीजिए एक सर्कल बना लिया हमने, है ना, सेंटर ओ पे है। अब बोल रहा है कि फ्रॉम ए पॉइंट पी आउटसाइड, तो ये हो गया यहाँ से, ये बिल्कुल, ये पता है ये तो पेट क्वेश्चन है एसएससी का, अक्सर ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं। ड्रॉइंग पे मत जाइएगा, फटाफट से मैं बना रहा हूँ यहाँ पे, तो देख लीजिए बस आप। तो ये पी हो गया, ये ए हो गया, ये बी हो गया। बोल रहा है कि पी से बनाया, ठीक है, ए एंड बी आर द पॉइंट्स ऑन द सर्कल, ये सर्कल पे ही है, ठीक है। ए पी बी 40 है, ए पी बी 40 है, आपको पता है कि ये सब कॉन्ग्रुएंसी वाली चीज़ें मैं बताऊंगा नहीं अभी, ये पूरा 40 है तो ये कितना हो गया 20 हो गया, ये भी कितना हो गया 20 हो गया, क्योंकि ये रेडियस है और ये टेंजेंट होगी, है ना, ये हो गया 90 डिग्री, ये भी हो गया 90 डिग्री। अब आपसे पूछ क्या रहा है, ओ ए बी, ये ओ है, तो ओ ए बी यानी कि आपसे पूछ रहा है सिर्फ वो ये वाला एंगल पूछ रहा है, तो इसमें क्या बड़ी बात है, आपको पता है कि जब ये ऐसा केस आता है तो ये भी 90 डिग्री होता है। अब ये 90 डिग्री है, ये देखिए यहाँ पे ये 90 डिग्री है, ये 20 डिग्री है, तो ये वाला एंगल आपको पता लग जाएगा, ये 90 हो गया और ये 20 हो गया, तो 90 ये हो रहा है, तो 180 ट्रायंगल में पूरा सम होता है, तो 20 ये है, तो 70 होना पड़ेगा इसको, इस वाले को 70 ये हो गया, है ना, 70 ये और ये 90 हो गया, तो ये वाला कितना हो गया, ये भी 20 हो गया, तो यही हमें निकालना था, ये वाला एंगल 20 हो गया, ले लीजिए। तो इसमें क्या रह गया यार, ठीक है, ओ ए बी, ओ ए बी, ये था क्वेश्चन, तो कुछ भी नहीं था, बहुत इजी क्वेश्चन था, ये आपके ऊपर है कि आप कितनी देर में उसको करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपको नहीं, ऐसे क्वेश्चन आपने प्रैक्टिस करेगा, हालांकि ये जगह जगह पे ये क्वेश्चन दिए हुए हैं कि सीधा इससे आपको ये ड्रॉ करनी होती है, ये हमेशा ही है कि एक एक्सटीरियर पॉइंट से टेंजेंट्स पे आपने लाइंस, मतलब कि टेंजेंट कह रहा हूँ, रेडियस पे आपने टेंजेंट बना दी, तो ये सब करे कराए क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर, प्रीवियस ईयर भरा हुआ है, तो ये 10 सेकंड से ज़्यादा का क्वेश्चन नहीं था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए गाइस, ये एक अच्छा क्वेश्चन था, अगर आपके बेसिक कंसेप्ट ही क्लियर नहीं है तो इसको करना आपके लिए इजी ना होता और हो सकता बहुत सारा टाइम भी आपका कंज्यूम कर लेता। देखिए क्या है, बहुत अच्छा है, ये प्यारा सा क्वेश्चन है, ठीक है। तो इफ़ द 6 डिजिट नंबर, ये देखिए सबसे पहली बात कि ये 6 डिजिट का नंबर है, ये आपको ध्यान रखना, अगर ये भूल गए तो फिर सारा कबाड़ हो जाएगा, फिर नहीं कर सकते इसको, ठीक है। ये 6 डिजिट का है, इसमें डिविजिबल बाय 88 है, तो 88 से डिविजिबल है, तो यानी कि 11 और 8 से डिविजिबल होना चाहिए, ये नॉर्मल सी बात आपको पकड़ में आनी चाहिए। फाइंड क्या करना है, एक्स प्लस टू वाई करना है। देखिए 11 से करने के लिए क्या करना पड़ता है, आपको पता है कि पेयर्स बनाने पड़ते हैं, तो इसका इसका और इसका पेयर बनाएंगे, तो देखिए एक साइड से शुरू करिए, या फिर आप वो जो सम वाला करते हैं उससे भी कर सकते हैं, मैं ऐसे करता हूँ। तो 6 - 9 कितना हुआ, 3 हुआ, -3 हुआ एक्चुअली, है ना, y - 4 हुआ, तो y - 4 हुआ, और यहाँ पे x - 4 हुआ, x - 4 हुआ एक्चुअली, इसको थोड़ा साफ सा लिख लेते हैं, ये हो गया x - 4 प्लस y - 4 +-3, ठीक है, इज इक्वल टू क्या करना होता है, 0 या फिर 11 को कोई मल्टीपल, तो मैं फिलहाल के लिए 0 कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि x प्लस y आपका क्या बन गया, 4 और 4 8 9 10 11, ये आ गया आपका 11, ठीक है जी, ये आपका 11 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे x प्लस 2y पूछा है, तो कई बार हम जल्दी जल्दी में इसको 11 मार्क कर देते हैं और वो गलत हो जाता है, ये सिली मिस्टेक है ना। तो आपको अब देखना पड़ेगा इसके अंदर केसेस बना के कि क्या होगा, x प्लस वाई 11 कब हो सकता है। देखिए यहाँ पे लिख लीजिए x या y, x हो जाए आपका 11 ही हो जाए, ठीक है, x हो जाए 11 और ये हो जाए 0, x हो जाए 10
नौ आठ सात छः, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5, ठीक है, ये केसेस बनते हैं। इसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे केसेस रिपीट होने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ अगर 5 लिखोगे तो यहाँ फिर 6 लिखोगे, मतलब कि इन्हीं के उल्टे शुरू हो जाएंगे, तो उसको मैं कंसीडर नहीं कर रहा हूँ फिलहाल, ठीक है जी। उनको मैं अभी देख ही नहीं रहा हूँ, मैं सिर्फ ऊपर वाले केसेस में देख रहा हूँ। हो सकता है मेरे को आंसर यहीं पर मिल जाए, फिर कभी डिटेल में इसको बताऊंगा। बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये, आगे भी बहुत इसके अंदर झोल है लेकिन बता नहीं रहा हूँ, ठीक है जी। तो देखिए, 11 और 10 वाले इन दोनों को हम ले ही नहीं सकते, क्योंकि अगर आपने एक्स को 2 डिजिट ले लिया, ठीक है, तो एक्स को 2 डिजिट लेने से क्या होगा, एक्स को अगर 11 ले लिया तो ये क्या है, 6 डिजिट रहेगा ही नहीं नंबर, ये 7 डिजिट बन जाएगा। इसीलिए बोला था कि ये 6 डिजिट का बड़ा इंपॉर्टेंस है, तो ये दोनों ही कट हो जाते हैं केसेस। अब हो सकता है इनमें से कोई आंसर हो तो देख लीजिए सेटिस्फाई करा के, आप देखेंगे कि यही, ये तो सीधा सीधा कट हो गया, यही आंसर है। अब देखेंगे पुट करके तो आपको पता लगेगा कैसे है। देखिए 9 और 2 11 तो हैं ही, इसमें तो कुछ चेक करने की बात नहीं है। आप देखिए कि क्या ये 88 से सॉरी 8 से डिविजिबल है, 8 से डिविजिबल की लास्ट की 3 3 डिजिट है, यानी कि Y96, ये 8 से डिविजिबल होना चाहिए। तो अब सिंपल सी बात ये है कि Y हमने क्या लिया है, यहाँ पे 2 लिया है, सपोज कीजिए है ना, 9 2 का पेयर ले रहे हैं, तो 296 देखेंगे आप, तो ये क्या हो गया, 8 3 24 वहाँ, ठीक है, 8 से डिविजिबल हो गया है ना, तो इसका मतलब है कि ये हमारा सेटिस्फाई कर रहा है, ये वाला जो है सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसको हमने क्या निकालना है, एक्स प्लस 2 वाई निकालना है, तो यानी कि 9 प्लस 2 इंटू 2, क्योंकि 2 वाई है ना, 13। ये देखिए यहीं पे आपको आंसर मिल गया। बहुत झोल है इसके अंदर देखिए, लेकिन ये आपको तेजी से निकालना है तो मैंने तेजी से वाला मेथड भी बता दिया, इसमें तो तुरंत पता लगता है ना, इससे तेजी कुछ नहीं हो सकता। इस क्वेश्चन में हो सकता था आपके 1 या 2 मिनट खराब हो जाए, और हो सकता है वो करने के बाद भी आपसे निकले ही ना ये क्वेश्चन। तो ये आपकी कंसेप्ट और कंसेप्चुअल पावर के ऊपर, हो सकता है कि 10 सेकंड में कर देते, जैसे मैंने अभी आपको करके दिखाया है कि कैसे इसको फटाफट से भी कर सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए गाइस, 1 नंबर का टुच्चा क्वेश्चन फिर से आ गया है ना, तो ये आपके ऊपर है कि कैसे आप इसको अप्रोच करेंगे। देखिए, सम ऑफ 20,000 इज इन्वेस्टेड फॉर 15 मंथ्स एट द इंटरेस्ट रेट ऑफ 10% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली है। हाफ ईयरली का बोल रहे हैं, तो सीधी सीधी सी बात, हाफ ईयरली का मतलब है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका क्या हो गया, 5% हो गया। जो 10 है वो क्या हो गया, 5% हो गया। हाफ ईयरली का मतलब है कि आधे आधे महीने पे, सॉरी आधे आधे साल पे है ना, तो एक साल में 2 बार आ जाएंगे 6 6 महीने, तो इसका मतलब है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट 5 5% लगा, 10% को आधा कर दिया है ना, हाफ ईयरली का ये मतलब है। व्हाट इज द परसेंटेज गेन करेक्ट टू 1 डेसिमल एट द एंड ऑफ 15 मंथ्स। अब देखिए 15 मंथ्स को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 6 महीने 6 महीने और 3 महीने, ठीक है, ये लिख सकते हैं 12 और 3 15। अब इसका मतलब क्या है कि अगर मेरे को साल में लिखना है तो साल में लिखूंगा क्या, लिखूंगा आधा साल और 1/4 साल, ये हो गया हमारा ईयर। और रेट क्या हो जाएगा, रेट अगर आप आधे साल के हिसाब से देख रहे हो तो 10 का आधा कर देंगे तो 5 हो जाएगा, यहाँ भी 5 हो जाएगा। अब अगर 1/4 ईयर का देख रहे हैं तो ये जो 10 है इसका 1/4 हो जाएगा है ना, किसका 1/4 करना है, जो पूरा पर एनम का हो, पर एनम का मतलब पूरा सालाना है ना, सालाना का। अगर वो हाफ ईयरली बोल रहा है तो आधा कर दो, वो क्वाड्रपल बोल रहा है तो 1/4 कर दो, सिंपल सी बात है, तो ये 2.5 हो गया। अब यहाँ पे वो नेट रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछ रहा है आपसे, ठीक है, यही पूछ रहा है, तो आपको बस 3 परसेंटेजेज हैं और क्या करना है इसके अंदर, पॉजिटिव वाली है तो एम एफ पॉजिटिव से भी कर सकते हैं, या फिर ए प्लस बी प्लस ए बी बाई 100 से भी कर सकते हैं, यानी कि 5 + 5 + 5 × 5 / 100, तो ये हो गया आपका 10.25। 10.25 और 2.5, अब इन दोनों का कर लीजिए, तो इनका करेंगे तो ये क्या हो गया, 10 और 11 12 12.75, ये हो गया, प्लस में इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन होना है, तो वो मल्टीप्लीकेशन देख लीजिए, 10.25 × 2.5 / 100, कुछ भी नहीं है भाई, साफ ही दिख रहा है इसके अंदर कि लगभग आप इसको करके देखेंगे तो ये 13 ही बैठ रहा है। इसको कर लीजिएगा कैलकुलेशन, हल्की सी कैलकुलेशन है ही क्या इसके अंदर, आप वैसे भी देख सकते हैं 25 चौके 100 होता है, बहुत ईजीली कैंसिल हो जाएगा, वो देख लेंगे तो आपको पता लग जाएगा, ठीक है जी, नहीं तो आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, आसानी है। तो ये 13 आ गया आपका, यही आंसर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गाइस, एवरेज का क्वेश्चन है ये जो है ना, ये मैं आपको एक्सेस मेथड से पढ़ाऊंगा, अगर ये सारे मेथड्स आपको देखने हैं, मैं बता रहा हूँ 1-1.5 घंटे का ही मैंने एवरेज पढ़ाया, वो उसमें क्या पढ़ाया मैंने, बिल्कुल इंपॉर्टेंट चीज़ें टू द पॉइंट जो एग्जाम में आ सकती हैं, कुछ भी फालतू की चीज़ें नहीं पढ़ाई जो आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं, वो सब नहीं पढ़ाया। एवरेज के अंदर मैंने टू द पॉइंट वो चीज़ें पढ़ाई हैं जो सीधा सीधा एग्जाम में आती हैं और जो शॉर्टकट्स हैं, बहुत ज़्यादा छोटे तरीके हैं। अब इसके अंदर एक्सेस मेथड यूज़ करना, आप देख लीजिएगा मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके एवरेज देखिएगा, वहाँ पे आपको 4-5 लेक्चर मिल जाएंगे, उन 4-5 लेक्चर्स में ही मैंने सारे का सारा एवरेज का सार कवर कर दिया है, तो वो भी कर लेंगे, अगर किसी ने नहीं पढ़ रखा है तो बहुत रहेगा, मोर देन सफिशियंट रहेगा, और चुटकियों में आंसर निकलेंगे। देखते हैं, इन ए क्लास ऑफ 50 स्टूडेंट्स 40% आर गर्ल्स, द एवरेज वेट ऑफ
बॉयज़ इन सिक्स इज 62 kg एंड गर्ल्स इज 58 kg। ठीक है, इसको आप देसी तरीके से अगर करने की कोशिश करेंगे तो वही है कि टाइम ख़राब होता है, उससे ज़्यादा और कुछ नहीं होता। मैं आपको छोटा तरीका बताता हूँ इसमें क्या है। देखिए, आप लिख लीजिए गर्ल्स का हो गया और यहाँ पे बॉयज़ का हो गया, यहाँ पे टोटल हो गया। ओके, यहाँ पे नंबर लिख लीजिए और यहाँ पे आप लिख लीजिए वेट इनका, एवरेज एवरेज वेट। तो गर्ल्स कितनी है, देखिए 40% आर गर्ल्स, तो आप इसमें देखेंगे 50 का 40% है ना, 20 हो गया, तो 20 होगी आपकी गर्ल्स और 30 हो गए फिर आपके बॉयज़। ठीक है जी, 50 हो गया ये पूरा और यहाँ पे हो गया टोटल 50 स्टूडेंट। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि बॉयज़ का है आपका 62 kg और गर्ल्स का है 58 kg, और आपको पूछ रहा है कि व्हाट इज़ द एवरेज ऑफ द होल क्लास। अगर होल क्लास का पूछ रहा है तो आप देखिए यहाँ पे कि ज़्यादा किसके पास है, बॉयज़ के पास ज़्यादा है ना, 58 गर्ल्स के पास है। इसका एवरेज का मतलब क्या है कि हर गर्ल का 58 वेट हो गया, ये हो गया है ना, या 58 कॉइन्स हो गए सबके पास, तो उस हिसाब से भी आप समझ सकते हैं। तो मान लो कि हर बॉय के पास 62 कॉइन्स हैं, तो एक्स्ट्रा कितने हो गए बॉयज़ के पास, क्योंकि वो उतने कॉइन्स अगर वो अब सबके बीच में डिवाइड कर दिए जाए जितने बॉयज़ के पास एक्स्ट्रा हैं, तो फिर वो गए सबकी एवरेज आ जाएगी। तो 58 और 62 का डिफरेंस देख लीजिए कितने ज़्यादा हैं यहाँ पे, है ना, पर बॉय के पास कॉइन्स। तो आप देखेंगे 4 कॉइन्स ज़्यादा है ना, और कितने बॉयज़ हैं 30, तो 4 × 30 यानी कि 120 कॉइन्स, यानी 120 केजी एक्स्ट्रा है जिसको हमें सबके बीच में डिवाइड करना है। 58, तो इसका मतलब है कि इसको भी, बॉयज़ को भी अब मैं 58 के लेवल पे ले आया हूँ, ये तो 58 है ही था, इसको भी अब 58 के लेवल पे ले आया हूँ। इससे आप देखेंगे कि यहाँ पे इसको भी मैं इसी के बराबर ले आया हूँ बॉयज़ को गर्ल्स के, यानी कि यहाँ पे 120 केजी इनसे वापस ले लिया। अब वो वापस ले लिया, वो सबके बीच में डिवाइड करना है, तो कितने लोग हैं टोटल, 50 लोग हैं ना, 50 के बीच में करना है। तो ये देखेंगे आप, तो ये कितना हो गया, 5 × 10 तो 0.4, तो 58 तो था ही, प्लस में 2.4 कर दीजिए, ये होगा आपका 60.4। इस बड़ी तेज़ी से होता है, ये 5 सेकंड का क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर, लेकिन ये आपके ऊपर है कि आपने ये चीज़ें प्रैक्टिस ऐसे कर रखी हैं कि कैसे कर रखी हैं। ठीक है जी, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए गाइस, इसमें क्या बोला कि 5 क्यूब है, हर का एज 4 सेंटीमीटर का है। क्यूब का मतलब होगा कि सबकी साइड 4 सेंटीमीटर। व्हाट इज़ द टोटल सर्फेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड, क्योंकि क्यूबॉइड बन जाएगा, उनको क्या किया है इसने बोला एंड टू एंड ज्वाइन कर दिया, एंड टू एंड 1, 2, 3, 4, ठीक है, ये 5 हो गए, 1, 2, 3, 4, 5 हो गए। तो ये 4 जो था उसका मतलब कि साइड था, तो अब देखिए ये 4, 4, 4, 4, 4, तो ये कितना हो गया, 1, 2, 3, 4, 5, तो ये होगी 20 है ना, और अगर आप उधर से देखेंगे तो ये भी कितना हो गया, ये तो 4 ही रहेगा। तो ये आपको लेंथ ब्रेड्थ हाइट पता लग गई है इसकी। अब इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है आपको रिजल्टिंग क्यूबॉइड का, ये होता है BH + HL, तो ये हो गया 2 × 20 × 4 + 4 × 4 + 20 × 4, तो ये कितना हो गया, 2 × 4 = 80 प्लस जहाँ से भी एक 80 आएगा प्लस 16, तो ये कितना हो गया, 8 × 8 = 16 हो गया, यानी 160, 6 × 176, तो इसका डबल आप करेंगे तो 2 × 6 = 12, 14 × 15 = 352। ये लीजिए, 10 सेकंड का क्वेश्चन था, ये भी कुछ भी नहीं था इसके अंदर, क्या इसको पढ़ेंगे और क्या इसमें इतना दिमाग लगाने वाली चीज़ है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कुछ चीज़ें गाइस थोड़ी थोड़ी कैलकुलेटिव थी, तो वो आपको देखना है कि कौन सी चीज़ें आपको पहले अप्रोच करनी है, कौन सी बाद में करनी है। जो ज़्यादा कैलकुलेटिव थोड़ी बहुत लग रही है तो उसको छोड़ के आप आगे बढ़ेंगे तो ही बेटर होगा। अगर आप उसी में फंसे रह गए तो फिर वो आपका पेपर ख़राब कर देगी। 2-3 क्वेश्चन ऐसे होते हैं और 1-2 गलत भी हो सकते हैं बीच में, तो वो भी आपको देखनी है। चलिए देखते हैं ये नेक्स्ट क्वेश्चन। बोल रहा है कि सम ऑफ 15,000 इज इन्वेस्टेड 12% पर एनम पे और रिमेनिंग 10% पर एनम पे। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट है, ये भी बता दिया। ये बचकानी चीज़ें हैं ना, प्रीवियस ईयर देखेंगे खोल के भरे पड़े हैं, यही क्वेश्चन आ रखे हैं, वही रद्दी क्वेश्चन है। एट द एंड ऑफ 2 ईयर्स इज इतने इतने, मतलब कि 2 साल के बाद वो देखेंगे तो आपको इतना अमाउंट जो है इंटरेस्ट मिल रहा है। कि अब पूछ रहा है कि 10% पे कितना हमने मनी दिया था, 2 पार्ट्स में दिया था, एक मनी को हमने, एक 10% पे दी थी, एक 12% पे दी थी, और टोटल 2 साल के बाद उनका ब्याज 15,000 का है ना, या 15,000 लिख लीजिए, 15,000 रुपये दिए थे। अब टोटल थे ये, कुछ इसमें दे दिए, कुछ इस पे दे दिए, 2 साल के बाद हमारे पास ये इंटरेस्ट आया। देखिए, तो सबसे पहले एवरेज इंटरेस्ट निकाल लीजिए कि 2 साल का क्या था। इंटरेस्ट इज इक्वल टू, ये यहाँ पे 4 लिख लो, ठीक है, इज इक्वल टू PRT/100 है ना, तो 15,000 × रेट हमें निकालना है, इनटू में टाइम है इसका 2 और डिवाइड बाय में 100, तो ये रेट आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो लगभग आपका 11.14 के आसपास ये आ जाएगा। थोड़ा सा कैलकुलेटिव था, मैं मान रहा हूँ इस चीज़ को, साफ ही बात है। 11.14 यहाँ लिखिए, एलिगेशन यूज़ कीजिए, ये 10 हो गया, ये 12 हो गया, यहाँ पे देखिए ये क्या बन गया आपका, 1.12
1.14 बन गया जब माइनस किया, और यहाँ पे आप देखेंगे तो ये लगभग क्या बन गया, 0.86 बन गया। अब आपसे 10% का पूछा है, तो 0.86 डिवाइड बाई 0.86 प्लस 1.14 यानी कि 2 हो गया ये दोनों का सम, और इनटू में 15,000, तो कुछ भी नहीं है। ये 0.43 बना, इसको 15 को इससे कर लीजिए, लगभग आपको 6400 के आसपास बन रहा है। ये देखिए यही आंसर है लगभग आपको देखने, क्योंकि ये सब अप्रोक्सीमेशन से हमने निकाला है, एग्जैक्ट तो आ भी नहीं रहा वो, तो 6400 इसका आंसर आ गया। वो ऐसे ही आपको दिख रहा 15 चौके 60 होता है ना, तो 15 3 45 होता है ना, 5 4 15 चौके 60 64, तो यहीं से पता लग रहा है कि 644 45 कुछ ऐसे आने वाला है। तो यही आपका आंसर है, ना 65 आ रहा है ना 66 आ रहा है। ओके चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए गाइस, अगेन बच्चों वाला क्वेश्चन है, 10वीं में बहुत बार किया होगा। इसमें क्या आपको मैथ्स पढ़ने की जरूरत है, मुझे तो यही नहीं समझ आ रहा, जो लोग बोल रहे थे कि बहुत ही ज़्यादा टफ पढ़ना है ना। ये देखिए ये आया हुआ है, तो बोलते हैं ए बी सी डी इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, एक क्वाड्रिलेटरल बनाना है यानी साइक्लिक बनाना है, और जो ए और बी क्या होना चाहिए, ए बी क्या होना चाहिए, उसका डायमीटर होना चाहिए। ये एक क्वाड्रिलेटरल मैंने बना दिया इसके अंदर। अब बोल रहा है कि इसके अंदर ए बी सी डी है, ये हो गया सी, ये हो गया डी, तो ए डी सी 140 है, ये दे रखा आपको 140। देन एंगल बी ए सी, बी ए सी पूछ रहा है, ये वाला पूछ रहा है भाई आपसे, ठीक है जी। ओके गाइस, तो अब देखिए इसको करना कैसे है। देखिए यहाँ पे ये 140 है, आपको पता है कि जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है उसमें अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, 180 होता है उनका सम, तो अगर ये 140 है तो ये होगा 40। और आपको पता है अगर ये डायमीटर है, तो डायमीटर पे अगर हम ऐसा कोई बनाते हैं एंगल, तो वो 90 डिग्री बनता है, डायमीटर होना चाहिए, बता रहा हूँ मैं आपको, है ना। ये ऐसे नहीं है कि आप कहीं भी, ये ए बी कोई कोड है, कोड है फिर नहीं होगा ये चीज़, ये तभी होगा यहाँ पे 90 डिग्री जब ये डायमीटर है। तो ये 90 हो गया, ये 40 हो गया, यानी कि एक 90 आपके पास आ गया, आप दूसरे दो एंगल है उनका सम भी 90 होने चाहिए, ये 40 है तो इसको 50 होना ही पड़ेगा। इस तरह से इनको अप्रोच करना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस। ये देखिए ये भी बचकाना क्वेश्चन फिर से आ गया। ये बोला कि शॉपकीपर है, सोल्ड करता है दो आर्टिकल, 9471 ईच है प्राइस उनका, ऑन वन ही गेंड 23%, दूसरे पे 23% का लॉस है, व्हाट इज द ओवरऑल परसेंटेज गेन और लॉस। कुछ भी नहीं करना, एक आपको पॉजिटिव वाला एमएफ दे रखा है, एक नेगेटिव वाला एमएफ दे रखा है, इसमें क्या है, आप एमएफ से करना चाहते हैं एमएफ से कर लीजिए, दोनों से हो जाएगा। और अगर एमएफ से नहीं करना तो ए प्लस बी प्लस ए बी बाई 100 जो होता है, मतलब कि एक मीन निकालने के लिए परसेंटेज का, उससे कर लीजिए। तो ये पॉजिटिव वाला, ये नेगेटिव वाला, तो एक हो गया पॉजिटिव वाला, एक हो गया नेगेटिव वाला, प्लस करते हैं हम 23 इंटू में माइनस 23 बाई में 100, ए प्लस बी प्लस ए बी बाई 100, बस साइन का ध्यान रखना था, ये कैंसिल हो गए। तो आप देखेंगे यहाँ पे ये हो गया 529 बाई 100 माइनस के साथ 5.29%, माइनस का मतलब है लॉस। ये लीजिए ये हो गया 5 सेकंड, इससे ज़्यादा का क्वेश्चन नहीं है ये, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन देखिए गाइज, ये भी एक नंबर का आसान क्वेश्चन है, अलजेब्रा में ये सब चीज़ें आपने पढ़ी होंगी, बस इसमें जो वो उन्होंने चाल चली है वो देख लीजिए, जहाँ सिली मिस्टेक हो सकती है। आप अक्सर क्या है, ए क्यू प्लस बी क्यू वाला फॉर्मूला फटाफट से लगा देते हैं और ये देखते ही नहीं यहाँ पे कि पॉइंट भी है। देखिए एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ है, तो देखिए हर जगह पे यहाँ पे डिनोमिनेटर में दो दो पॉइंट आपको मिल जाएंगे, है ना। तो यानी कि ये बाय में 10 हो गया, यहाँ भी बाय में 10 हो गया, यानी बाय में 100 हो गया, ऐसे यहाँ भी ऐसे यहाँ भी, तो 100 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। इसके बाद ये सारे का सारा फंक्शन सेम हो रहा है, मतलब 675 जहाँ है तो यहाँ भी 675 ही है, 325 जहाँ है तो यहाँ भी 325 ही है, तभी होगा जब आप 100 को ऊपर ले जाएंगे उस वाले को। तो 100 एक हमारा जो है ये मल्टीप्लाई होने वाला है हमारे फाइनल आंसर के साथ। अब यहाँ पे क्या हो गया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब डिवाइड में क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो ये आपको फॉर्मूला पता ही है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो a प्लस बी इसका आंसर हो गया है ना इसका, तो 100 इंटू ए प्लस बी इसका आंसर हो गया। तो आप देखिए 100 इंटू में 675 और 325 कितना हो गया, 1000 हो गया, 3 4 5, ये लीजिए। उम्मीद कर रहा हूँ ये आसान सा क्वेश्चन आपको समझ आया होगा, 10 सेकंड का क्वेश्चन था, इससे ज़्यादा का ये क्वेश्चन नहीं है, ये मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है। अगर आपको समझाना आना हो तो मैं ये 5 सेकंड में 10 सेकंड में आराम से कर दूँ इनको, वो देखते ही पता लग रहा है उसको, ठीक है जी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखिए गाइस फिर से एक आसान क्वेश्चन, ए लैडर लीनिंग अगेंस्ट ए वॉल मेक्स एंगल। देखिए ये वॉल होगी, एक लैडर ऐसे लगी हुई है, अब ये अल्फा एंगल है, टेन अल्फा 3/4 है, ये 3 है, ये 4 है, तो ट्रिपलेट हुआ तो ये 5 हुआ, और फुटबॉल रहे वो 5 मीटर हुए, यानी कि 4x इज इक्वल टू 5 हो गया, तो x कितना हो गया, 5/4 हो गया, है ना। तो ये भी x हो गया, ये भी x हो गया, ये भी x हो गया,
ये हो गया। अब आपको क्या बोल रहे हैं, व्हाट इज़ दी लेंथ ऑफ द लैडर, लैडर की ये लेंथ है यानी 5x, तो 5 × 5/4 ये हो गया 25/4 यानी कि 6.25, ये आपका आंसर हो गया। उम्मीद कर रहा हूँ ये भी क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए जिसमें 2-3 क्वेश्चन मैंने छुड़वाए हैं क्योंकि मुझे लग नहीं रहा था कि उनको करवाने की जरूरत है, वो आप कर लेंगे, आसान है ठीक है। टू पाइप्स ए एंड बी कैन फिल ए टैंक इन 6 और 9 आवर्स रिस्पेक्टिवली, टोटल वर्क हो गया 36 ठीक है, और एफिशिएंसी मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे ए बी की, तो इसकी हो गई 6, इसकी हो गई 9, 4 36। दे आर ओपनड ऑल्टरनेटली फॉर ईच 1 आवर, है ना, पहले इसको ऑल्टरनेटली चला रहे हैं, पहले 6 चलाया मतलब ए चलाया, फिर बी चलाया, उसने 4 काम किया, फिर ए चलाया, फिर बी चलाया, ऐसे ऐसे करके है। तो आपको बताना है कि इन हाउ मेनी आवर्स विल द टैंक बी फिल्ड, कितनी देर में वो टैंक फिल हो जाएगा, यानी 36 काम आपको करना है। तो ये हो गया आपका 1 घंटा, फिर 1 घंटा, फिर 1 घंटा, फिर 1 घंटा, यानी कि आप देखिए इसको ऐसे पेयर्स में डिवाइड कर लीजिए, तो 2 घंटे का काम आपका 10 हो रहा है, अगले 2 घंटे में फिर 10 हो गया, अगले 2 घंटे में फिर से 10 हो गया, 6 और 4 10 ठीक है। तो आप देखिए कि यहाँ तक आपका 30 काम हो गया कितनी देर में, 6 घंटे में, 6 आवर में आपका 30 वर्क हो चुका है। अब आपका काम यहाँ पे जो है ये ए पूरा करेगा, तो वो कितने कितना काम रह गया आपका, 6 काम रह गया, और ए भी कितना कर रहा है एक दिन में, 1 घंटे में 6 ही कर रहा है यहाँ पे, तो इसका मतलब है कि 1 घंटा और लगेगा यानी 7 घंटे लगे, तो ये इसका आंसर है। उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ आया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए ये एक और आसान क्वेश्चन है। इसके अंदर आपको देखिए बोल रखा है कि 2 नंबर्स हैं वो 4:5 की रेशो में है ठीक है, 4:5 है, तो ये 4x और 5x हो गए एक तरह से। और ये बता दूं कि ये x यहाँ पे क्या होता है, HCF होता है, ये अब मैं इस कंसेप्ट यहाँ पे पढ़ाने नहीं बैठूंगा, सीधा सीधा सॉल्यूशन बता रहा हूँ। तो ये हमेशा HCF ही होता है यहाँ पे, तो 4x है तो इसका मतलब 16×64 हो गया और 16×5=80 हो गया, ये 2 नंबर हो गए आपके। अब वो पूछ रहे कि इनका सम क्या है, तो सम कर लीजिए, 8×6=14, 144, ये इसका आंसर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गाइज लोग बोल रहे थे ये बोट्स एंड स्ट्रीम्स में बड़ी दिक्कत हो रही है, ये हो ही नहीं रहा हमसे, अरे ऐसे कैसे नहीं होगा, मैं बिल्कुल बेसिक मेथड से करके बताता हूँ उसी से हो रहा है, ये तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आ रही है ठीक है। ये क्वेश्चन ही उस हिसाब से डिजाइंड है, ऐसी आप पता नहीं कैसे निकाल रहे हैं आप लोग, मुझे नहीं पता। देखिए इसके अंदर क्या है, बोले कि एक बोट है 30 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाती है, 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाती है, 2 घंटे 27 मिनट में, ये दे रखा है इसने ओके। 2 घंटे 27 मिनट का मतलब होगा 49/20, इसको आप देख लीजिए। अब क्या है कि 30 आपका हो गया डाउन स्ट्रीम, तो वहाँ पे मैंने V+U ले लिया, V हो गई मतलब कि बोट की ले लीजिएगा, एक को यू को वाटर की ले लीजिए ठीक है, यानी स्ट्रीम की ले लीजिए, और प्लस में आपकी 24 है, तो 24/V-U हो गया, ये हो गया आपका 49/20 ठीक है जी, 49/20 हो गया। अब दूसरा क्या बोल रहा है, ये 20 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम 20/V+U प्लस में 8 किलोमीटर अपस्ट्रीम है ठीक है, 8 किलोमीटर अपस्ट्रीम V-U = 74 मिनट, तो 74/60 तो 2×3 = 7/30 ठीक है, ये 2 इक्वेशनें बनती हैं। अब वो पूछ रहे हैं कि स्पीड बतानी है बोट की और स्टील वाटर की, किसी की भी पूछ सकता है वो, सिंपल सी बातें करना आना चाहिए। यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे ये 24 है, ये 8 है ठीक है, 2 चीज़ें हैं, एक तो पहले इसको 0 कर दीजिए या इसको 0 कर दीजिए, उसी से हो जाएगा। अब देखिए सपोज करो इसको करना है, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, इनटू में 2 करोगे तो यहाँ पे 60 बन जाएगा, और यहाँ पे इनटू में 3 करोगे तो ये भी 60, ये तो कैंसिल ही होना है। तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, यहाँ पे 3 से कर रहा हूँ बस, तो ये कैंसिल होना है, इसको करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे देखिए 2×48 होएगा V-U, यहाँ पे देखिए 8×3=24 होगा V-U, तो 48 में से 24 गए ठीक है, तो सीधा सीधा आपको क्या लिखना है, यहीं पे देख के ही पता लग रहा है कुछ करना ही नहीं है। 48-24 कितना होगा, 24/V-U = में यहाँ पे देख लीजिए बस आप, ये हो गया, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देखिए ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे 10 आ गया, 49/10 आ गया ये ठीक है, यहाँ पे आ गया 49/10 माइनस में इसका देख लीजिए, ये 3 से कैंसिल करेंगे 37/10। देखिए ये तो हाल है इस क्वेश्चन का, आप कह रहे हैं कि हो नहीं रहे बोट्स एंड स्ट्रीम के, करने आने चाहिए यार, ये तो अपने दिमाग का खेल है, ये तो कोई नहीं सिखा सकता ऐसी चीज़ें। फिर देखिए तो ये हो गया आपका 9, 10, 11, 12 12/10, तो 12×2=24 होता है, तो V-U आपका क्या हो गया एक तरह से, ये 10 गया तो 20 ठीक है जी, ये आपका 20 हो गया V-U। अब आपको V+U निकालना है इसके अंदर, तो वो कैसे निकालेंगे वो देखिए, जैसे यहाँ पे मल्टीप्लाई किया ऐसे अब इसको करने की कोशिश कीजिए, इसको 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, इसको किसी से मत कीजिए, यहाँ पे 24 है तो 8×3=24 होगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 3×2=60, 60 में से 30 गए तो 30 ही बचा, 30/V+U,
इज इक्वल टू में ये 49/20 ऐसे ही रहेगा, इसको करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 37/10 हो जाएगा। अब यहाँ पे 20 है तो इसको क्या करो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, तो 37 का 74/20, तो 74 में से 49 गए, तो कितना हो गया सिंपल है 50 हो गया, 60 70 24 25 25/20 हो गया, पंजो पंजो पाँच चौके 5×30, तो v प्लस यू हो गया आपका 24। ठीक है, ये v प्लस यू हो गया, ये v माइनस यू हो गया, v आपसे पूछा है दोनों को ऐड कर दो, u u कैंसिल हो जाएंगे, तो 2v क्या हो जाएगा आपका 20+24। ठीक है, तो यहाँ से आपका क्या हो गया ये 44/2 हो गया, 22 आंसर। तो गाइज यही है इन क्वेश्चंस के अंदर। ठीक है, ये थोड़ा सा 1-2 मिनट आपका ले सकता है ऐसे वाले क्वेश्चंस, क्योंकि इनमें एकदम से आपको, क्योंकि कुछ शॉर्टकट एज सच वैसा नहीं होता है ना, अगर लगाएंगे भी तो कौन इतनी चीज़ें याद रखेगा, कौन इतने शॉर्टकट याद रखेगा। मैं जो आपको चीज़ें बता रहा हूँ वो बिल्कुल बेसिक से जुड़ी हुई चीज़ें होती हैं, वो ऐसे शॉर्टकट नहीं होते कि बिल्कुल ही एब्सर्ड हो, कहीं भी कुछ भी जुट गया, ऐसा कुछ नहीं होता है। बिल्कुल वो जो ग्रास रूट लेवल से जुड़ा है वो शॉर्टकट्स हैं मेरे पास, मैं वो चीज़ें आपको बढ़ाता हूँ जिनसे आप कभी उनको भूले ना और पेपर में करके आए, जब मैं यहां पे आपके सामने कर सकता हूं तो आप भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है इसको करना। इसीलिए आपको बोल रहा हूं ये आपकी प्रैक्टिस के ऊपर है, कंप्लीटली आपकी प्रैक्टिस और आपकी मेमोराइजिंग पावर की, आपने कितनी रिवीजन कर रखी है उसके ऊपर है। अगर आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे, इन पेपर्स को भी सोल्व कर लेंगे तो बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाई और उम्मीद कर रहा हूं कि आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी, जेन्युइन लग रहा है कंटेंट, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और शेयर जरूर करना इन वीडियोज को, ताकि हर उस बंदे तक पहुंचे जो जिसको बस ये पढ़ी है, लूट रहे लोग कि पेड़ ले लो, पेड़ कोर्सेज ले लो, क्या पेड़ की जरूरत है, ये देखिए ये पेड़ से बेटर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम एक न्यू रेवोल्यूशन की। ठीक है, ये आपके हाथ में कि अब आप क्या करना चाहते हैं, उन पेड़ का साथ देना है या फिर एक ऐसे वो होता है ना कि टीम का, बहुत सारे लोग यहाँ पे शायद पढ़ा रहे होंगे ऐसे जो सच में जेन्युइनली पढ़ा रहे हैं एंथुसियाज्म के साथ। तो चलिए ठीक है, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।